Welcome to Aspire Ada. Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Math special paid batch for SSB, SSC, JK Bank and all the banking exams will be provided. We have also started special GS batch from zero to hero. Free English course for all the exams will be provided. We will also provide reasoning classes for banking exam and for SSC, CGL. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को, पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा बरवा कंचनजुंगा मकालू मनसालू डोरा गिरी हन्ना पूर्णिमा बद्रीनाथ केदारनाथ त्रिशूरनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथा गिरी, तिरुमल्ला, पालगोंडा, वालगोंडा, सिरी सलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। ऐसी तरह, इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे Aspire Adda YouTube चैनल को और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप Aspire Adda के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू Aspire Adda। आज का लेक्चर हम प्रोसीड करते हैं अपना, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, ट्रांजैक्शन के टू अप्रोचेज हैं हमारी। मैं आपको लिख देती हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट वन इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, उसमें आपने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आज हम उसकी दूसरी अप्रोच पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच में बच्चों हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है। अब फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं थ्री ग्रुप्स, एंड द थ्री ग्रुप्स आर पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज योर रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस। मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड टू योर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ट्रांजेक्शन्स related to assets and properties, and your nominal accounts are those accounts which is related to expenses
लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स, इसका भी मैं लिख देती हूँ, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स। अब हम इन अकाउंट्स को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं बच्चों। पर्सनल अकाउंट्स, मैंने आपको जैसे बताया, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका लेते हैं, एक सेकेंड लिखते हो पर्सनल अकाउंट्स। इसमें एग्जाम्पल्स हम लेते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड ड्राइंग्स। बच्चों डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं जैसे हमने किसी से पैसा लेना है। अब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डिस्कस तो नहीं करेगा ना कि हमने इससे पैसा लेना है। ये बिजनेस की पर्सनल चीज़ें होती हैं कुछ। जैसे इसके अपोजिट हमारा क्रेडिटर्स आ गया, क्रेडिटर्स क्या हो गया? देनदारी। मतलब ये भी बिजनेसमैन किसी को नहीं बताएगा कि हमने इसको पैसा देना है, वैसे ही डेटर्स का नहीं बताएगा। अब बैंक का क्या हुआ? बैंक भी पर्सनल नेचर का आ जाएगा हमारा, हमने बैंक में कितना पैसा जमा कराया, ड्राइंग्स हो गया कितना पैसा निकाला। ये दोनों चीज़ें बिजनेसमैन किसी से नहीं डिस्कस करेगा कि हमने इतना पैसा निकाला है या इतना पैसा जमा कराया। ये हमारी कुछ पर्सनल नेचर की आइटम्स आ जाती है जो हम बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ डिस्कस नहीं करेगा। अब पर्सनल अकाउंट को भी थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ पर्सनल अकाउंट्स को भी। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज योर आर्टिफिशियल, इसको आप लीगल भी कह सकते हैं, लीगल पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग ऑफ योर बिजनेस। मतलब एग्जाम्पल के तौर में ले लो आप राम सीता, डेटर्स क्रेडिटर्स, ये वाले एग्जाम्पल आ गए आपके, जिसको हम टच कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, बिजनेसमैन इनके साथ डीलिंग कर सकता है। इसको हम थोड़ा लिखते हैं अब ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें राम सीता, ठीक है। अब सेकंड वन इज योर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसको हम लीगल पर्सनल अकाउंट भी बोल। ये अकाउंट बच्चों कोई पर्सन से रिलेटेड नहीं है जिनको हम देख सकते हैं जहाँ टच कर सकते हैं, बट लॉ की आइज में, इन द आइज ऑफ लॉ, हम इसको एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज होगी, क्लब्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए। हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों, दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ। एग्जाम्पल कंपनीज होगी आपकी, सोसाइटी होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट ये एक सेपरेट एंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब एग्जाम्पल के तौर में हम लेते हैं जैसे रिलायंस कंपनी होगी, ठीक है। अब कोई बंदा उसमें जॉब करने जाता है तो ये नहीं बोलेगा हम अंबानी के जहाँ जॉब करने जा रहे हैं, हम यही बोलेंगे कि हम रिलायंस कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं। जब उनका कोई टेंडर्स कुछ भी होता है तो वो रिलायंस कंपनी के नाम से ही होगा, ना कि अंबानी के नाम से होगा।
हमें नहीं पता उस कंपनी में किसका शेयर कितना है, क्या है, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ एक कंपनी का नाम पता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स ना तो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ना ही हमारा आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट है, बट फिर भी एक पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सैलरी पेबल। बच्चों, अब एक कंपनी है रिलायंस कंपनी, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके काफ़ी सारे इम्प्लॉयज होंगे, उन्होंने मार्च की सैलरी पे करनी है, ठीक है, बट उन्होंने पे नहीं की मार्च में, आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी, तो वो ये नहीं लिखेंगे सैलरी टू ए सैलरी टू बी, क्योंकि उनके काफ़ी सारे इम्प्लॉयज होंगे, तो वो क्या एंट्री पास करेंगे, सैलरी टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें सारे पर्सन आ गए बच्चों, ए बी सी डी, ये सारे पर्सन को एक ही हेड में डाल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? मतलब ये कोई नाम नहीं है, बट फिर भी पर्सन का नाम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये। ये सभी पर्सन को क्लब करके एक नाम दिया गया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, कंपनी के केस में बच्चों शेयर होल्डर काफी सारे होते हैं, ए बी सी, वहां पर ये तो नहीं लिखा जाता है ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, वहां पर सबको क्लब करके शेयर होल्डर फंड लिखा जाता है, शेयर होल्डर्स फंड कितना आया है, यानी कि दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, क्या पढ़ा हमने पर्सनल अकाउंट में, ये थ्री टाइप्स के होते हैं बच्चों, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से हो गए, जो आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड हुए, जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, जब बिजनेस में इन बंदों के साथ डील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, राम सीता हो गए। सेकेंड वन इज योर आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट्स, ये कौन से हो गए, ये कोई बंदे का नाम नहीं होगा, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी लॉ की आइज में, लीगल आइज में ये एक सेपरेट एंटिटी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज होगी, सोसाइटीज होगी। एंड थर्ड वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये ना तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ना ही आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट है, बट फिर भी ये एक पर्सनल अकाउंट है। आपको एग्जाम्पल मैंने इसकी दो दे दी है, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड थर्ड सेकेंड वन इज योर कैपिटल अकाउंट। पहले पढ़ा आपने पर्सनल अकाउंट, अब हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, इसको भी बच्चों दो अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, सेकंड वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। बच्चों, ये एसेट से रिलेटेड होते हैं, ना कि डेट से। आप में आपको इसमें देनदारी आपकी नहीं आएगी, इसमें सिर्फ आपके एसेट्स आएंगे। मैं आपको लिख देती हूँ, अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ योर बिजनेस, एग्जाम्पल आ गया इसमें कैश, बैंक, आपके फिक्स्ड एसेट्स, सब कुछ इसमें आ जाएंगे, जो भी आपके एसेट्स है ना, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये चीज होती है रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। एंड सेकेंड वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू। मैं इसको भी लिख देती हूँ, विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड रेवेन्यू। एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेसमैन जैसे बिजनेस चलाता है, तो उस बिजनेस में उसके कितने सारे खर्चे आते हैं बच्चों, जैसे सैलरी पे करनी है उसको, इंटरेस्ट पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है उसको, रेंट पे करना है,
ठीक है, ये जितने भी खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए आते हैं, जैसे रेंट पे करना है उसको, टेलीफोन का बिल पे करना है, सैलरी पे करनी है स्टाफ को, ये सारे उसके एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, रेवेन्यू उसको कौन कौन सा हो सकता है, रेवेन्यू में उसको कमीशन मिल सकती है, इंटरेस्ट मिल सकता है कहीं से, जैसे उसने बैंक में पैसा जमा कराया वहां एफडी के रूप में, वहां से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे बच्चों अपना पर्सनल के 3 टाइप्स, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और सेकंड वन इज योर इम्पर्सनल। ठीक है, इम्पर्सनल में भी 2 टाइप्स है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से हो बच्चों, विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस, जिसमें आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे, जैसे कैश आ गया, बैंक आ गया, फर्नीचर इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, एसेट्स जितने भी आपके एसेट्स भी मैंने आपको बताया था ना लास्ट से लास्ट क्लास में, वैसे ही नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट हो बच्चों, विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू। अब कोई बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए जितने भी खर्चे आते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो सब इस हेड में हम बुक करेंगे। ये तो अकाउंट्स पढ़े ना बच्चों हमने, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 रूल्स में। उन उन 2 रूल्स को क्या बोलेंगे हम, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अब मैं लिखती हूँ इसको, आप पूरा टेबल बनाती हूँ आपके लिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट। बेसिस ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको हम, पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल था उसमें आपके 2 आते हैं ना, रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अमाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है, और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, 2 रूल्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, ये 2 अकाउंट्स को। इसमें आ जाएगा रिसीवर, गिवर। रियल अकाउंट किस बेसिस में डिवाइड होगा, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें इनकम्स एंड गेन्स। बच्चों हमने पढ़ा था ना पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन ऑफ योर बिजनेस। अब इसका रूल किसमें इसको क्लासिफाई करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जिससे पैसा आया, जिस पर्सन के पास पैसा आया उसको हम बोलेंगे रिसीवर, जिस पर्सन से पैसा गया उसको बोलेंगे गिवर। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। कैश पेड टू मिस्टर राम 500 रुपीज। कैश गया है बच्चों हमसे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, कैश गया हमसे, किसके पास गया, मिस्टर राम। मिस्टर राम के पास 500 रुपीज आया कि गया बच्चों, मिस्टर राम के पास 500 रुपीज आया है, तो राम क्या हो गया, रिसीवर। हमने पढ़ा था ना डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लगेगा, मिस्टर राम एक पर्सन है, ठीक है, इसको हम टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, और इस बंदे के साथ डील भी कर सकते हैं, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का है हमारा, पर्सन है, इसके ऊपर हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब मिस्टर राम के पास पैसा आ रहा है तो वो रिसीवर बन गया, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर राम को डेबिट करेंगे, ठीक है, टू कैश, कैश गया, ये तो हमारा सेकंड रूल लगेगा, रियल। कैश हमारा क्या था, रियल अकाउंट, पढ़ा था ना, विच इज रिलेटेड, रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। कैश ही हमारा एसेट है, इसलिए इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, वट गोज आउट क्रेडिट होता है। अब इधर से हमारा कैश क्या जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर क्रेडिट वाला रूल लगेगा, वट गोज आउट टू कैश। ये इस तरीके से हम इसको जनरलाइज करेंगे।
सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे बच्चों अब, फर्नीचर परचेज किया बच्चों हमने फॉर कैश रुपीज 5000। बच्चों फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है। इसके ऊपर हमारा कौन सा लगेगा रूल? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। फर्नीचर परचेज किया है, हमारे बिजनेस में फर्नीचर क्या हुआ बच्चों? आया है, आया है ना, आया है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। हमारे पास फर्नीचर आया है तो इसके ऊपर ये कौन सा रूल लगेगा? डेबिट, व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेज किस में किया? कैश में। कैश भी बच्चों हमारा क्या है? कैश भी बच्चों हमारा रियल अकाउंट है। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है तो क्या गया है? एक चीज आती है तो दूसरी चीज जाती है, तो क्या गया? कैश गया हमारे बिजनेस से, कैश अकाउंट क्रेडिट। बच्चों ये मतलब होता है कि डेबिट, अगर एक चीज को हम डेबिट लिख रहे हैं ना तो दूसरी चीज हमारी ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी, उसके साथ हमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम टू लिखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि ये आइटम हमारी क्रेडिट हो रही है। अब तीसरी एग्जांपल लेते हैं हम, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स रुपीज 500 इन कैश। इसमें बच्चों कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश। हमारे अकाउंट्स में दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं। सैलरी, सैलरी कौन सा आपका अकाउंट है बच्चों? हमने पढ़ा था ना सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। उसमें क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। ये कौन सा हमारा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। उसमें क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी को हम सैलरी अकाउंट डेबिट। और दूसरी कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ इसमें? कैश। अगर हमने किसी को सैलरी पे किया तो हमारे पास क्या गया? कैश हमारे से चले गया, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश वैसे कौन सा अकाउंट है हमारा? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कौन से रूल्स थे? डेबिट, ये पढ़ा था ना बच्चों हमने, कैश हमारा रियल अकाउंट है, उसमें था डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इससे हमारा कैश जा रहा है इसलिए हमारा हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज से। बच्चों आज के लिए इतनी एग्जाम्पल ही, कल हम बाकी अच्छे से एलैबोरेट करके इसको पढ़ेंगे, काफी सारी एग्जाम्पल्स के साथ कल हम आएंगे। ओके, थैंक यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stops for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself.
And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.